देखिए, शहर से आज हमको बहुत अलग अलग तस्वीर आ रही है। आज हमारे पास में लगभग बाजार की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज सुबह से ही इतने कॉल एमटीवी इंडिया के ऑफिस के नंबर पर, मेरे खुद के निजी नंबरों के ऊपर। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। बहुत आज कॉलिंग है, यानी कि सरकार और प्रशासन जो है उसको इस वक्त एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसे इनपुट्स इस वक्त हमारे पास में आ रहे हैं। हमारे जो कैमरामैन हैं वो इस वक्त हमको ग्राउंड से जो इनपुट भेज रहे हैं वो बेहद चिंता दर्शाने वाले इनपुट्स हैं कि प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त कालाबाजारी को शहर के अंदर नहीं रोक पा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो शिकायतें आ रही हैं वो कालाबाजारी को लेकर आ रही हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख रहे होंगे कि किस तरीके से बाजार से लोग बाग आकर कट्टे के कट्टे जो हैं वो लेकर जा रहे हैं घर, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का अनाउंसमेंट किया था उसके बाद से कल की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी कंट्रोल में थी, लेकिन आज जो स्थिति हमको नजर आ रही है शहर के अंदर वो थोड़ी सी सुबह की स्थिति बहुत भीड़ भाड़ वाली हमको नजर आ रही है। लोग आप देख रहे होंगे कि गाड़ी के ऊपर कितना सामान एक साथ ले जा रहे हैं लोग। भीड़ की पड़ाव क्षेत्र के अंदर हुई है और सबसे ज्यादा जो शिकायतें हैं वो कालाबाजारी को लेकर है। सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली बुधवार शाम को, उसमें अधिकारियों को निर्देशित भी किया था कि जो कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए एक बड़ी तैयारी करनी है, कालाबाजारी किसी प्रकार से ना हो, उसके ऊपर लगाम लगाई जाए। लेकिन अजमेर के अंदर हालात जो है वो सही नजर नहीं आ रहे हैं। अजमेर के अंदर कालाबाजारी की केवल शिकायतें पड़ाव इलाके से नहीं है, बाकी की जो इलाके हैं वहां से बाकी के बाजारों से भी आ रही है। कुछ दुकानों के ऊपर तो लोगों ने जाकर विरोध, क्योंकि वहां पे जो कीमतें हैं वो 1.5 गुना बढ़ाकर बताई जा रही है, दुगना करके उसमें उनसे वसूला जा रहा है लोगों से। तो ये अभी इस वक्त चिंता के विषय बना हुआ है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक कोई टोल फ्री नंबर क्यों नहीं जारी किया। सबसे बड़ी बात प्रशासनिक अधिकारियों की इधर से ये आ रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो है उन्होंने अभी तक जो किराना के स्टोर्स हैं, किराना के मालिक हैं, उनको मंजूरी क्यों नहीं दी है। यानी कि एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है, जब हम बात कर रहे हैं किराना के जो मालिक हैं उनसे बात कर रहे हैं, दुकानदार से हम बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि उनके वाहन को लाने की जो मंजूरी है उसकी भी जो प्रक्रिया है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। क्योंकि अधिकारी जो है, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है 24x7 घंटे काम करने का, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने एक आदेश और बुधवार शाम को दिया था जिसमें ये कहा था कि अपने 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 जिले के अंदर लोग देखें कि बड़े जो स्टोर्स हैं जिसमें रिलायंस, डी मार्ट, बिग बाजार जैसे स्टोर्स आते हैं, इनके इनके यहाँ से ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये लोग डायरेक्ट होम डिलीवरी दे दें, यानी कि ऑर्डर जो है किराना के वो उनको ऑनलाइन मिल जाए और उसके बाद ऑर्डर की डिलीवरी उनके माध्यम से करवाई जाए। लेकिन इसको लेकर भी अभी किसी प्रकार की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर अजमेर की अगर मैं हम बात करें तो स्थिति यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ के मैनेजरों से बात तो कर ली है, लेकिन अभी तक वो स्थिति शुरू नहीं हो पाई है और ये एक बड़ा चिंता का विषय इस वक्त अजमेर में बना हुआ है। और यही कारण है कि जो बाजार पड़ाव के इलाके से या आसपास की दुकानों से जो कालाबाजारी की खबरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, ये एक बड़ा कारण इसके अंदर बनकर निकल के आ रहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक के अंदर एक निर्देश और दिया था कि लोगों को किसी प्रकार से खाने की समस्या ना हो, कोई भी प्रदेश के अंदर भूखा ना हो। लेकिन उसके अंदर भी एक बड़ी समस्या हमें देखने को इस वक्त मिल रही है, उसके भी हमारे पास में इनपुट आए हैं कि सरकार की ओर से कई ऐसे वाहनों को पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिला प्रशासन की ओर से भी हुई है, जिसमें जो खाना लोग इस वक्त खिला रहे हैं, कई एनजीओ हैं, कई लोग हैं अपने स्तर पर वो सेवाएं दे रहे हैं लोगों को खाना खिलाने की, लेकिन उन लोगों के वाहनों को भी अभी तक पास जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में कई लोगों के पास तक सीमित जगह तक ही लोग पहुंच पा रहे हैं, जहां तक खाना पहुंचना चाहिए वहां तक खाना भी नहीं पहुंच रहा है। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, एक जो तस्वीर और अजमेर से निकल के आई है कि कई जगहों के ऊपर अब लोग समझदार भी हमको दिखाई दिए हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को उन्होंने अपनाया है और कई किराना की दुकान, मेडिकल की दुकान जो है, उन्होंने एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे व्हाइट कलर का एक गोला बनाकर लोगों को एक एक मीटर दूर खड़ा किया जा रहा था, ऐसी ही तस्वीर कुछ अजमेर से भी आ जा रही है निकलकर। लोगों को बताया जा रहा है कि इस तरीके से आप खड़े हों और देखें। लेकिन खास बात यह है कि जो सबसे ज्यादा जरूरत की इस वक्त अजमेर को जरूरत है
वो कालाबाजारी को रोकने को है, क्योंकि एक शिकायत हमको दूध को लेकर भी मिली है। दूध की जो थैली है वो 30 रुपए मिल रही है, दुगनी 10 रुपए उसमें बढ़ाकर लिए जा रहे हैं ग्राहक से। तो ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता की विषय है, और प्रशासनिक अधिकारियों की जो कंट्रोल उनको यहाँ पर करना है वो इस कालाबाजारी को लेकर करना है। हालांकि जिला कलेक्टर ने बुधवार शाम को ही जो बैठक ली थी उसमें ये फैसला भी कर दिया था कि जितने भी दुकानें हैं किराना की, उन तमाम किराना की दुकानों को उनको अवैध वसूली एक नहीं करनी है, यानी कि जो रेट है उस तय सीमा से अधिक को पैसे नहीं वसूल सकते हैं, और अगर कोई वसूलता हुआ पाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से रसद अधिकारी को शिकायत करनी है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों के बीच में रसद अधिकारी का जो नंबर है, रसद विभाग का जो नंबर है, वो लोगों के बीच में नहीं है, और इसीलिए बहुत जरूरी है इस वक्त कि रसद विभाग के अधिकारी अजमेर के कलेक्टर खुद आगे आकर कुछ नंबर ऐसे जारी करें जो लोगों के लिए इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, लोग के पास तक पहुंचे। लेकिन ये नंबर जब तक जारी नहीं होंगे तब तक इस कालाबाजारी को रोकना बहुत चैलेंज प्रशासन के लिए भी है, और जिस तरीके की शिकायतें हमारे पास इस वक्त आ रही हैं उसको भी रोकना और सब जगह तक पहुंच पाना हमारे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग इस वक्त हुआ हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।